हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड मैंने जैसा कि आप लोग से कहा कि मैं ट्राई कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी वीडियोस लाने की, तो आज भी एक नया वीडियो आ चुका है आप लोग के लिए। और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ हाउ टू बाय डोमेन। जी हाँ, डोमेन किस तरीके से हमें बाय करना है, कहाँ से करना है, मैं आप लोग को वो भी बताऊँगा। और जैसे कि मैंने आप लोग को पिछली वाली वीडियो में बताया था कि भाई लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, हाउ टू क्रिएट अ लैंडिंग पेज फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। जो लोगों ने ये वाला वीडियो नहीं देखे है, लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप लोग को देखना है आप लोग जाके देख सकते हो। और उसी वीडियो में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि मैं आप लोगों को जो अगली वीडियो में बताऊंगा कि डोमेन किस तरीके से बाय करना है और उस लैंडिंग पेज से कैसे कनेक्ट करना है उस डोमेन को, तो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। जो लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखे आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग ने जो है गूगल साइट से लैंडिंग पेज क्रिएट किए थे एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, और ये वाला प्रोडक्ट था, ये था वो लैंडिंग पेज, आप लोग यहां पर देख सकते हैं। अगेन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऊपर आप लोग URL देख सकते हैं sites.google.com, जो कि प्रोफेशनल नहीं लगता है। और अगर आप लोग गूगल एड्स पर इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो तो ये चीज़ सही नहीं है, आपका अकाउंट जो है बैन हो सकता है। तो हम लोग जो है टोटली प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है डोमेन बाय करेंगे। अब डोमेन कहाँ से बाय करना है, आप लोग ने GoDaddy का नाम सुना होगा, नेमचिप का नाम सुना होगा, तो ये सब जगह से जो है डोमेन होस्टिंग ये सब बाय किया जाता है। राइट नाउ हम लोग सिर्फ डोमेन बाय करने वाले हैं, तो बहुत सी वेबसाइट्स है जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, GoDaddy है, नेमचिप है, होस्टिंगर है, और भी कई सारी साइट्स आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन अब डोमेन बाय कहाँ से करना है मैं आप लोगों को वो बताऊंगा। मैं पर्सनली जो प्रीफर करता हूँ वो है होस्टिंगर। जी हाँ, उसका रीजन ये है कि वो लोग की सर्विस काफी अच्छी है, प्लस सपोर्ट सिस्टम काफी अच्छा है, बाकी जगह से भी आप लोग ले सकते हो। होस्टिंगर के बाद अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कि कहाँ से लेना चाहिए डोमेन, तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा नेमचिप, उसको भी मैंने काफी यूज किया डोमेन लेने के लिए, एंड वो भी काफी कमाल का है। बट आज मैं आप लोग को जो बताने वाला हूँ वो है hostinger.com। सिंपली आप लोग को जो है hostinger.com पे जाना है, आप लोग इसकी यूट्यूब पर एड्स भी काफी देखते होंगे। hostinger.com पे जाने के बाद आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा डोमेन का, उससे पहले आप लोग साइन इन कर लेना या साइन अप। यहाँ पर जाने के बाद आप लोग को ऊपर ऑप्शन मिलेगा डोमेन्स का, सिंपली आप लोग उस पर क्लिक करना है, फाइंड अ डोमेन पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको जो भी डोमेन का नाम चाहिए, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो प्रोडक्ट है वो है सिनेप्सी एक्सटी रिव्यू, बट आपको इस प्रोडक्ट के नाम से डोमेन नहीं लेना है, आपको कुछ ऐसा नाम सोचना है डोमेन का जहाँ पर आगे चल के जो है आप कोई और प्रोडक्ट भी प्रमोट कर सकते हैं उसी डोमेन पर। जैसे कि एग्जाम्पल productreviews.com, जाहिर सी बात है किसी ने ले लिया होगा तो ये हमें अवेलेबल नहीं मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं डोमेन इज टेकन, किसी ने ऑलरेडी ले चुका है। लेकिन आज एग्जांपल के लिए मैं आप लोग को बताऊंगा, प्लीज़ आप लोग गौर से थोड़ा 10-15 मिनट या आधा घंटा निकालना, पहले अच्छे से सोच लेना कि आपको नाम क्या रखना है, ऐसा नाम जो भाई URL पे काफ़ी अच्छा लगे, लोग उससे अट्रैक्ट हो, ठीक है। ऑल्सो मैं आप लोग को एक चीज़ बताऊंगा, यहाँ पर गूगल पर आप लोग जाना और डोमेन नेम सजेशंस डालना, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को एक वेबसाइट आ जाएगी डोमेन बिल्ड, ठीक है, डोमेन विल पर आप लोग जाना, यहाँ पर प्रोडक्ट रिव्यूज डाल देना, जो भी आप लोग को डालना है। यहाँ पर आप लोग को ये जो सजेशंस देगा डोमेन के नेम सजेस्ट करेगा। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे डोमेन यहाँ पर आ चुके हैं, जैसे कि productreviews.info। याद रखिए, अगर आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो जाहिर सी बात है मैंने आप लोग को बताया कि हम जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जगह करने वाले हैं। तो अगर हम ये सब जगह कर रहे हैं तो हमें .com डोमेन लेना है जो कि प्रोफेशनल लगता है, info.org या .in नहीं लेना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट रिव्यूज़ होम नहीं, प्रोडक्ट रिव्यूज़ नाउ .com थोड़ा अच्छा लग रहा है, हम ये वाला देखते हैं कि ये अवेलेबल है या नहीं है। ओके, तो ये अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर जो प्राइस दिखा रहा है वो है 679 पर ईयर। मैं आप लोगों से यही बात करने वाला हूँ, अभी हम लोग जब बाय नाउ पे जाएंगे तो थोड़ा और प्राइस बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हमें जो है डोमेन सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप लोग नाम, अगर आप लोग अपना, जैसा मैं एजाज डालता हूँ तो यहाँ पर कुछ मुझे और नाम भी सजेस्ट कर देगा, ये सब हटा देना, हमें सिर्फ .com चाहिए, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ejaz.com, topejaz.com, मतलब कि अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि डोमेन का नाम क्या रखना चाहिए तो आप लोग domainwill.com यूज़ कर लेना, काफ़ी सारे सजेशंस आ जाएंगे। राइट नाउ हम लोग यहाँ पर वापस जाते हैं, हम जो है ये वाला डोमेन बाय करने वाले हैं। तो सिंपली हमें बाय नाउ पर क्लिक करना है, यहाँ पर 2 साल के लिए, 3 साल के लिए सब ऑप्शन आएगा, हमें 1 साल के लिए चाहिए फिलहाल, ठीक है। और चूज़ पेमेंट मेथड पर क्लिक करना है, और आप लोग देख सकते हैं जैसे कि मैंने आप लोग को बताया प्राइस थोड़ा बढ़ जाएगा, वो दिखाने को खाली 817 रुपये, इसका मतलब होता है मंथली 68 रुपीज़, सिर्फ और सिर्फ 68 रुपीज़। अब डोमेन लेने में ऑप्शन नहीं आता कि भाई मंथली लेना है, हमें जो है ईयरली ही लेना होता है। तो मंथली जो उसका प्राइस हमें पड़ रहा है वो है 68 रुपीज़, और जो पूरे साल का यानी कि 1 साल का जो हमें प्राइस पे करना हो रहा है इसका, वो है करीब करीब 817 रुपीज़। तो मुझे नहीं लगता कि 817 कोई बड़ा अमाउंट है अगर हमें वो 1 साल के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन मिल जाएगा UPI, नेट बैंकिंग, पेटीएम, मैं पेटीएम सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है।
बट यहाँ पर अगर आप लोग जाएंगे एक सेकंड कंटिन्यू विथ पेमेंट, तो आप लोग को जो यहाँ पर पेमेंट कर देना है, पेमेंट तो आप लोग इजीली कर ही लोगे, आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसको भी बताना पड़ेगा। यहाँ पर सिंपली आप लोग अपना नंबर डाल देना पेटीएम का, प्रोसीड करना, वहाँ पर आप लोग को ओटीपी वगैरह मांगेगा जो भी, तो आप लोग जो है पेमेंट कर देना और आप लोग को डोमेन मिल जाएगा। मैं क्यों नहीं बाय कर रहा हूँ आप लोग को बताता हूँ, मैं दूसरा डोमेन बाय करूँगा। आप लोग यहाँ पर और भी ऑप्शन मिलते हैं, यूपीआई का है, डेबिट कार्ड का है, अगर आप लोग डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। आप लोग को .com ही लेना है, लेकिन मुझे फिलहाल ज़रूरत नहीं है डोमेन की, मैं जस्ट आप लोग के लिए बाय करने वाला हूँ। तो मैं जो है .com बाय नहीं करूँगा, मैं जो है कोई नॉर्मल सा डोमेन बाय करूँगा जो कि थोड़ा सस्ता हो। तो हम लोग ने ये डाले थे सिंपली, इसे सर्च कर लेता हूँ वापस से मैं। ये देख सकते हैं आप लोग 75 रुपीज़ ईयर, ओके और भी है क्या, चलो ठीक है, तो मैं ये वाला बाय कर लेता हूँ 75 रुपीज़ पर ईयर। याद रखिए होस्टिंगर पे आप लोगों को रिफंड पॉलिसी भी मिलती है कुछ करीब करीब 4 दिन, आप लोग एक बार पॉलिसी पढ़ लेना इसकी, रिफंड पॉलिसी। अगर आप लोग डोमेन बाय करते हो और अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि नहीं अब मुझे रिफंड वापस चाहिए, तो आप लोग होस्टिंगर से बात कर लेना करीब करीब कुछ 4 दिन के अंदर, अगर आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट करते हो तो वो लोग जो है डोमेन कैंसिल करके आप लोग को पैसा वापस दे देंगे। अगर 4 दिन से ज़्यादा होता है तो फिर आप लोग को रिफंड नहीं मिलेगा। ओके, तो मैं 1 ईयर सेलेक्ट करता हूँ। चूज पेमेंट मेथड, देख सकते हैं आप लोग जहाँ मुझे 800 रुपये पे करना हो रहा था वहाँ पर मुझे जस्ट 104 रुपीज़ ही पे करना हो रहा है। तो मैं ये वाला डोमेन इसलिए बाय कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी ज़रूरत नहीं है डोमेन की .com की, लेकिन आप लोग अगर बाय कर रहे हो तो प्लीज़ .com ही बाय करना। मैं पेमेंट कर देता हूँ, OTP डालने के बाद पे करो 104 आप लोगों को जो भी है 817 रुपीज़। एंड नाउ फाइनली हम लोग ने जो है डोमेन बाय कर चुके हैं। मैंने .online बाय किया हूँ, आप लोग को .com बाय करना है। बाकी प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है जैसा मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग कुछ डिटेल पूछेगा, सिंपली आप लोग इंडिया पर क्लिक करो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी जो भी है, आपका नाम वगैरह यहाँ पर डाल देना। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा डोमेन बाय हो चुका है टोटली, कंटिन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमारा डोमेन आ जाएगा। ठीक है, स्टेटस जो है एक्टिव है। वेरिफिकेशन ईमेल, आप लोग के जो है ईमेल पर एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगा, आप लोग प्लीज चेक कर लेना उसे। देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरीके से आप लोग को ईमेल आएगा, सिंपली इस वाले लिंक पर क्लिक करना है आप लोग को। ये जस्ट वेरीफाई कर रहे हैं वो लोग कि आपने ही डोमेन बाय किया है। यूर ईमेल एड्रेस हैज़ बीन वेरीफाइड, हमारा वेरीफाई हो चुका है, वापस हमें यहाँ पर जाना है। ठीक है, और एक बार हमें इसे रिफ्रेश करना है। एंड नाउ वेरीफाइड हो चुका है। सो गाइस फाइनली प्रोडक्ट रिव्यूज नाउ .online, मेरा डोमेन हो चुका है .online, आप लोग यहाँ पर .com लिखा हुआ होगा। अब हमें क्या करना है, हमें जो है प्रोडक्ट रिव्यूज नाउ .online को हमारे लैंडिंग पेज से कनेक्ट करना है। तो हम जाएंगे गूगल साइट पर, इसी पर जैसे हम गए थे पहले। यहाँ पर हमें सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग पर जाना है, कस्टम डोमेन्स पर जाना है और यहाँ पर स्टार्ट सेटअप पर क्लिक करना है। यूज अ डोमेन फ्रॉम थर्ड पार्टी बाय अ डोमेन, हमने ऑलरेडी थर्ड पार्टी से जो यानी कि होस्टिंगर से डोमेन ले चुके, तो हम पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे डोमेन का वो नाम पूछ रहा है, यहाँ पर जाएंगे प्रोडक्ट रिव्यूज नाउ .com या .online जो भी आपका, उस पर हम लोग उसका कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। देन अगर आप लोग कुछ इस तरीके से मैसेज आता है दिस डोमेन इज नॉट वेरीफाइड, तो आप लोग को सिंपली वेरीफाई योर ओनरशिप पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा, यहाँ पर सिलेक्ट योर डोमेन पर जाना है, जहाँ से भी आपने डोमेन लिया, जैसे कि मैंने होस्टिंगर से लिया हो तो मैं होस्टिंगर यहाँ पर फाइंड करूँगा, लेकिन यहाँ पर होस्टिंगर का ऑप्शन नहीं है, तो सिंपली हम लोग अदर पर क्लिक करेंगे। अदर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड अ सीनेम रिकॉर्ड पर आप लोग को जाना है और इन दोनों को जो हमें कॉपी करके होस्टिंगर .com पे पेस्ट करना है। कैसे करना है मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग को सिंपली ये वाला कॉपी करना है, पहला वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आना है होस्टिंगर .com पे, DNS पर जाना है ये वाले ऑप्शन पर। उसके बाद यहाँ पर टाइप पे जो है सीनेम सिलेक्ट करना है, नेम पर जो है हमें ये वाला पेस्ट करना है, ठीक है। एंड उसके बाद जो टारगेट है उस पर हमें ये वाला पेस्ट कॉपी करके पेस्ट करना है, ओके। यहाँ पर हमने पेस्ट किया, सिंपली ऐड अ रिकॉर्ड पर क्लिक करो और यहाँ पर लिख कर आएगा DNS रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। हमें वापस से जाना है इधर, ठीक है, और वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे हम लोग वेरीफाई पर क्लिक करेंगे वेरीफाई हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर क्लिक करना है, sites.google.com पे फिर से जाना है। यहाँ पर हम लोग जाएंगे Synapse XT पे जो हमने लैंडिंग पेज बनाए थे, सेटिंग पर जाना है, वापस से कस्टम डोमेन्स पर जाना है, स्टार्ट सेटअप सेम वैसे ही करना है जैसा पहले किए थे। अब यहाँ पर जो हमें पेस्ट करना है हमारा डोमेन, एंड नाउ आप लोग देख सकते हैं वेरीफाइड दिखा रहा है। नेक्स्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर हमें जो है वापस से कुछ कॉपी पेस्ट करना है, www कॉपी करेंगे, वापस से यहाँ पर जाएंगे, सी नेम पर क्लिक करेंगे, नेम में डालेंगे www और ये जो सेकंड वाला दिया है डेस्टिनेशन में यहाँ पर हम लोग ये डालेंगे, ठीक है, और ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे, ये भी रिकॉर्ड हो गया।
उसके बाद हम लोग सिंपली डन पर क्लिक करेंगे। एंड नाउ आप लोग देख सकते हैं हमारा जो डोमेन है वो प्रॉपरली कनेक्ट हो चुका है www.productreviewsnow.online। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपली इसे कट करना है यहाँ पर। और ये डोमेन ऐसा कनेक्ट तो हो गया है, लेकिन इससे मतलब ये वर्क करने से थोड़ा टाइम जाएगा। लाइक अगर आप लोग को जानना है कि एक्जैक्टली ये कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर अगर देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग को आपकी साइट की लिंक यहाँ पर बता देगा। जैसे कि देखो कनेक्ट हो चुका है https://www.productreviewsnow.online। ठीक है, हमें सिंपली ये वाली लिंक को कॉपी करना है। ये हमारी लैंडिंग पेज की लिंक बन चुकी है, यहाँ पर पेस्ट करना है। और ये अभी वर्क नहीं करेगा, आप लोग देख सकते हैं दिस साइट कांट बी रीच्ड। रीजन ये है कि इसको प्रॉपरली मतलब पूरा कनेक्ट होने थोड़ा टाइम जाता है। ऐसे तो कनेक्ट हो चुका ही है, लेकिन थोड़ा टाइम आप लोग रुक जाना। एंड अगर फिर भी नहीं होता है तो एक बार आप लोग रीचेक कर लेना है, तो मुझे कमेंट्स में बताना कि आपका अभी भी नहीं चल रहा है। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि डीएम के जरिए मैं आप लोग को समझा दूं कि आखिर प्रॉब्लम कहां पर है। होप सो मैं अगली वीडियो में आप लोग को ये बता दूंगा कि वेबसाइट तो बस यही था ये प्रोसेस कि डोमेन आप लोग को जो है होस्टिंगर से बाय करना है। उसकी लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके बाय कर सकते हो। लिंक सबसे पहले ही है होस्टिंगर की, तो उस लिंक पर जाओ, डोमेन बाय करो। डोमेन बाय करने के बाद जैसे मैंने आप लोग को बताया कनेक्ट करना है, एक्जैक्टली वैसे ही कनेक्ट करो। एंड फाइनली जब भी आप उस लिंक पर जाओगे तो आपकी जो है कुछ इस तरीके से साइट ओपन होगी। बस खाली यहाँ पर जो साइट .google.com है उसकी जगह जो है कुछ ऐसा लिखा होगा जो कि काफी प्रोफेशनल लग रहा है, ना कि ये। ओके, एनीवेज तो मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करना है, लैंडिंग पेज कैसे बनाना है, डोमेन कहाँ से बाय करना है, डोमेन को कैसे कनेक्ट करना है अपने लैंडिंग पेज से। एंड नाउ जो अब अगला वीडियो आने वाला है वो है गूगल एड्स पर। लाइक ये जो हमने लैंडिंग पेज बनाया है इसको हमें गूगल एड्स पर कैसे प्रमोट करना है, तो वो भी बहुत ही जल्द वीडियो आने वाला है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो। जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, जितने अच्छे कॉमेंट्स आएंगे, मैं उतनी जल्दी कोशिश करूंगा कि वीडियो लाओ, मोटिवेशन मिलता है। एनीवेज गाइस, तो बस आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।